Hey guys, myself Riya and welcome back to my channel. आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि छोटी रायु के साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा जाता है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ, तो वही आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ. एक्चुअली मॉर्निंग के मतलब मॉर्निंग क्या, रात में वो अच्छे से सोती है पर सुबह से मुझे थोड़ा सा नोटिस करना पड़ता है कि वो बार बार उठती है, बैठती है, मतलब एक बार शाकिब के ऊपर जाती है, एक बार मेरे तरफ जाती है, पर ज़्यादा देर शाकिब के साइड में वो चली जाती है. एक्चुअली वो जब हिलती डुलती है तो समझ लेना पड़ता है कि उसको भूख लग गया है, और वो उस टाइम रोती नहीं है, बस ऐसे हिलती रहती है. तो उसी बीच मैं उसको एक बार उठ के दूध पिला देती हूँ, फिर वो सो जाती है और मैं ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब उठ जाती हूँ, क्योंकि क्या बोले, एक तो ठंडी में आँख नहीं खुलती और पूरी रात मुझे सोने में ही तो साढ़े तीन ऑलमोस्ट बज ही जाते हैं. तो मैं उठते ही ना रायु क्या करते हो, तुरंत उठ जाती है. मतलब मैं उठूंगी और उसको पता चल जाता है. आई थिंक कि सभी मम्मियों के साथ ही होता है कि जब मम्मी पास से हटती है तो बच्चे को सबसे पहले समझ में आ जाता है, और उठ के ही वो मुझे मतलब मेरे साथ वो किचन में जाएगी. उसका ये ऐसा एक बात है कि मुझे लेके चलो, और मैं उठते ही ना सबसे पहले तो ऊपर वाले को नाम लेके उठती हूँ उसके बाद. और रायु जब उठती है उसको बहुत सारा प्यार करके ना दिन की शुरुआत ही अभी अलग होती है. मतलब लास्ट ईयर का बात अभी याद आती है, मैं 11:30 बजे उठती थी और बहुत लेजी अकेली पूरा बिस्तर लेके सोती थी, और अभी रायु अकेले ऑलमोस्ट ज़्यादा जगह लेके सोती है हमारे ऊपर और शाकिब के ऊपर गिरती रहती है. तो रायु को उठा के मैं स्वेटर वेटर पहना देती हूँ, क्योंकि अभी हल्का हल्का ठंडा है, पर अब दो दिन से देख रहे हैं यहाँ पे ठंड भी कम हो गई है. और मैं जब जाती हूँ वॉशरूम तो मैं शाकिब को उठा देती हूँ, शाकिब तुम रायु को थोड़ा सा पकड़ो, और मैं उसी बीच उसको थोड़ा सा खिलौना विलौना दे के चली जाती हूँ वॉशरूम पे. और मैं जब तक वॉशरूम में जाती हूँ तो शाकिब उसको देखता है, फिर मैं आती हूँ तो शाकिब वॉशरूम में जाता है. और इतना ठंडा में ना सुबह सुबह जब पानी में, पता है कि 10 बजे उतना सुबह नहीं है, पर हमें इतना ठंड लगती है कि पूरा मतलब जब भी ना आप कल खोलो पूरा पानी ठंडा ठंडा ही आती है. और मैं फ्रेश होके निकल के पूरा दूसरे रूम में जाके उसका विंडो वगैरह खोलती हूँ, मतलब पर्दा हटाती हूँ. सुबह का विंडो क्यों नहीं खोलती, क्योंकि ना हमारे सामने एक घर बना है तो पूरा धूप जो है ना एकदम गार्ड हो गया, एकदम धूप नहीं आता, और बल्कि बहुत ज़्यादा मच्छर आता है इस टाइम. तो 11 बजे तक मैं विंडो जो है वो नहीं खोलती, थोड़े देर बाद ही मैं विंडो खोलती हूँ और मैं अपना थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा के निकलती हूँ, क्योंकि मैं मुझे पता है कि यार टाइम नहीं मिलेगा कुकिंग वुकिंग रायु को देखने में, इसीलिए मैं जाके फटाफट से सनस्क्रीन लगा के आ जाती हूँ. और सबसे पहले सुबह उठ के मैं रायु को दूध घोल के देती हूँ, क्योंकि सुबह चिल्ला मिल्ली बिल्कुल नहीं पसंद, और बच्चे का अगर सुबह में वो एक बार गुस्सा हो गई तो वो पूरा दिन खराब जाएगा, इसलिए मैं उसको सुबह कुछ भी देने की कोशिश नहीं करती. सुबह मैं उसको दूध ही पिला देती हूँ, क्योंकि वही उसका फेवरेट है, अभी तक उसको वही ज़्यादा पसंद है, और उसका ये फीडिंग बॉटल में ही उसको सब कुछ ज़्यादा पसंद है. तो उसको दूध पिला के रेडी करके थोड़ा सा तेल मालिश के लिए रेडी करती हूँ. तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक यूज़फुल चीज़ के लिए बात करना चाहती हूँ, जिसका बहुत सारी क्वेरीज मुझे मिलती है. आप लोग पूछते हो बाहर जब जाते हो, रिया दी आपका हेयर इतना ज़्यादा वॉल्यूम कैसे आता है, क्योंकि आपका हेयर तो काफ़ी ज़्यादा थिन है, जबकि आप लोग अभी देख रहे हो मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लग रहा है. तो मैं हेयर को वॉल्यूम देने के लिए यूज़ करती हूँ अगारो का वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर. इसमें एडजस्टेबल 3 हीट एंड 2 स्पीड सेटिंग है फॉर हेयर स्टाइलिंग. इसमें है एंटी स्कैल्डिंग प्रॉपर्टी जो आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, बर्न फील बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज हेयर स्टाइलिंग के टाइम पे जो हीट क्रिएट होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द ब्रश. और आप लोग देख रहे हो मैं इसके हेल्प से अपने हेयर को थोड़ा सा स्मूथ कर ली, एकदम स्ट्रेटन इफेक्ट आता है इससे. और मेरा हेयर गीला जब होता है मैं इससे ही अपने हेयर को ब्लो ड्राई कर लेती हूँ. इसके अंदर है लाइलन ब्रिसल विद राउंडेड टिप्स जो आपके हेयर को बहुत इजिली डिटेंगल करता है एंड साथ ही साथ हेयर को स्मूथ भी बनाता है. अब फ्लैट हेयर को थोड़ा सा वॉल्यूम देने के लिए मैं इसे इस तरीके से यूज़ करती हूँ. मैं थोड़ा सा जो क्राउन सेक्शन है उसका हेयर को थोड़ा सा लेके हल्का सा, मतलब कुछ ही सेकेंड मुझे ऐसे पकड़ के रखना है, और कुछ ही देर में मेरा जो हेयर है फ्रंट सेक्शन ज़्यादा फ्लैट हो जाता है, तो इससे बहुत अच्छे से वॉल्यूम आता है. आप लोग जस्ट देख पाओगे मैं इसी तरीके से ना अपने पूरे हेयर में जो वॉल्यूम है उसे लाती हूँ. इससे आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो, मतलब एक ही टूल से बहुत सारे हेयर स्टाइल किया जा सकते हैं, लाइक कर्ल, स्ट्रेटन, स्मूदनिंग और वॉल्यूमाइज. तो मेरे लिए ये ब्रश इतना हेल्पफुल है, एक ही ब्रश से मैं इतने सारे हेयर स्टाइलिंग कर सकती हूँ. और मैं अपने हेयर के लिए लो सेटिंग ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा हेयर काफ़ी फाइन और थिन है. तो आप
अपने हेयर के क्वालिटी के हिसाब से इसके सेटिंग को चेंज कर सकते हो। और सेरेमिक ट्रॉमा लाइन कोटिंग ब्रश हेड है बोल, हेयर काफी ज्यादा स्मूद एंड शाइनी दिखता है, साथ ही साथ फ्रिज फ्री होता है एंड मॉइस्चर लॉक होता है अच्छे से। और इसके अंदर है 360 डिग्री स्वेवल पावर कॉर्ड, दैट्स वाई आप किसी तरीके से मतलब किसी भी साइड से मूव कर सकते हो, आपको हेयर स्टाइलिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। कॉर्ड का साइज भी काफी लंबा है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, साथ ही साथ आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाएगी। तो मेरे लिए तो ये लाइफ सेवर है। अगर आपको ये प्रोडक्ट लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हो जाएगी, आप लोग वहां से जरूर चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे रायु हो गई है एकदम दूध दूध पी के रेडी। तो इस बीच में क्या करती हूँ, बेड को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, क्योंकि बेड इतना हमारा छोटा है। आप लोग भी पूछते हो कि रिया दी आप लोगों का कैसे होता है इतना छोटा बेड में तीनों का। सच बोलो तो पहले तो दोनों का नहीं होता था, लगता था कि मतलब हम दोनों का ही नहीं फिट हो रहा है, पर अभी रायु के साथ भी सोते हो तो लगता है हो जाता है। और तीनों का अलग अलग तीनों कंबल, सोच रहे हो कैसे हो जाता है ना। अभी हम लोग इतना छोटू सा जगह में एडजस्ट करके सो लेते हैं, क्योंकि रायु को अलग सुलाने का ना मन नहीं करता, मतलब उसके कॉट में, उसका जो कॉट है, क्योंकि इस रूम में वो कॉट फिट भी नहीं होगा और वो अभी छोटी है, थोड़ा सा बड़ी हो जाने दो। उसके बीच में जाती हूँ थोड़ा सा वेट चेक करने, पर ये एकदम मुझे सुबह ही करना था, पहले करती थी, पर अभी थोड़ा देर में ही हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। तो सोचो 60 अप हो गया था वेट, अभी 53 पे आ गया है। आप लोग तो मेरा डाइट देखे ही हो, पर मैं जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती थी जिससे इतना वेट लॉस हुआ था जल्दी, वो मैं हम लोगों के साथ, अगर आप लोग बोलते हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। उसके बाद रायु को मैं उसके स्ट्रोलर में बिठा के यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने की प्रिपरेशन करती हूँ। पहले मैं एक ग्लास पानी पी लेती हूँ और थोड़ा सा आमंड मैं सोक करके रखती हूँ। पर चाय बनाते बनाते ना महारानी क्या करती है, वो स्ट्रोलर के ऊपर खड़ी हो जाती है, तो उसको बिठाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। अब तो उसको कॉट में भी बिठाएंगे तो वो कॉट को पकड़ के उठ जाती है, खड़ी हो जाती है और नीचे झाँकती है। तो मुझे ये डर लगता है कि वो नीचे ना गिर जाए, वो इतना पेट आगे तक लेके आ जाती है बोल के। तो उसको मैं गोदी में लेके ये कर रही हूँ, क्योंकि शाकिब गया था बाथरूम और मैं उसको अकेले वैसे छोड़ नहीं पा रही थी, पर जब शाकिब नहीं रहता मुझे ऐसे ही करना पड़ता है बार बार, क्या ही कर सकते, इसलिए बहुत लेट हो जाती हूँ। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में अभी हम लोग सैंडविच नहीं बना पाते, जो हम लोगों का फेवरेट था, आप लोग देखते आए हो। अभी सैंडविच का टाइम ही नहीं होता तो हम लोग प्लेन ही ब्रेड और चाय खा लेते हैं। मैं पीनट बटर के साथ खाती हूँ और शाकिब नॉर्मल बटर के साथ खाता है। पर देखो रायु को आप लोग देख रहे हो, हम लोग खाना, आप लोग भी बोले होगे रायु इतनी शांत है कि जब आप लोग खाते हो वो मतलब हाथ नहीं मारती है। हाँ, ये रायु का बहुत ही एक पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि उसको कुछ खाने के ऊपर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, दैट इज़ वाई वो कुछ भी लेने नहीं आती है। मतलब वो जब देखती है हम लोग को खाना खा रहे हैं तो उसको समझ में आ जाता है ये खाने की चीज़ है, तो इसके ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा है, उसको खिलाना मतलब पहाड़ तोड़ने जैसा काम हो गया है मेरे लिए, पर क्या करूं, मैं कोशिश करती हूँ उसको प्रॉपर तरीके से सब कुछ टाइम बाय टाइम करूं। इसी बीच में ब्रेकफास्ट करके उसको तेल लगा देती हूँ, ऑलमोस्ट 11:30 बज ही जाता है, तो 11:30 से 12:30 के बीच उसको तेल लगा के हल्का सा छोड़ देती हूँ ताकि उसके बॉडी में तेल जो है वो रह जाए, उसके बाद उसको शावर कराऊँ। जब भी तेल लगाती हूँ ना वो सो जाती है उसी बीच, क्योंकि उसको थोड़ा सा आराम मिलता है, तो वो आज भी तेल लगाने के टाइम सो गई थी। तो वो जब सो जाती है ना, मैं फटाफट से क्या करती हूँ, घर वर क्लीन कर लेती हूँ, मतलब पहले से ही झाड़ पोछ लेती हूँ। पर आप लोग भी बोले रिया आप इतना अकेले मैनेज करती हो जो मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आज रायु सो गई, कभी कभी ऐसा होता है ना वो सोती नहीं है, तो उसको लेके ना घर साफ करना इतना लेट हो जाता है, मतलब सोचो 3 बज जाता है, तो ऐसा तो सुबह का घर रखना नहीं चाहिए। तो मैंने हाउस हेल्प के लिए बोला है, आई थिंक न्यू ईयर में मुझे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगी, पर मैं अभी तो ऐसा ही फॉलो करती हूँ, तब अगर कोई मिलती है वो भी मैं शेयर करूँगी, पर अभी तो मेरा यही रूटीन है। और उसी बीच ब्रेकफास्ट का जो भी सारा बर्तन पड़ता है मैं वो धो लेती हूँ। अच्छा, बहुत जन ये भी पूछे दी आप नेल एक्सटेंशन के साथ ऐसा सब कुछ कैसे मेंटेन करते हो, रायु को मालिश करना और सफाई करना, बर्तन धोना, बहुत जन बोले कैसे होता है। सच बोलो तो मुझे कोई भी दिक्कत फील नहीं होती और मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने नेल एक्सटेंशन किया है, क्योंकि मैं बहुत ही मीडियम रेंज रखती हूँ। और उसी बीच मैं आके बेड साफ कर लेती हूँ, क्योंकि रायु तो उसके कॉट में सोई थी। तो बेड साफ करने के बाद मैं वहाँ पे मतलब सफाई करते करते ही उसका प्रेशर कुकर में सीटी देके खाना बना लेती हूँ। तो आज वो कैरेट जूस उसको दिया था, क्योंकि वो कुछ नहीं खाना चाहती है, पर मैं कोशिश करती हूँ उसको कभी कभी
सब्जी सब वगैरह दूँ, कभी फ्रूट्स दूँ, तो उसको वो बिल्कुल पहले नहीं ले रही थी, पर अभी 1-2-3 स्पून ऐसे ही लेती है। डॉक्टर ने बोला उसको ज़्यादा जोर मत देना, क्योंकि उसको इतना फोबिया हो गया था तब कि वो बिल्कुल कुछ भी मतलब दूध भी नहीं पी रही थी। उसको लग रहा था हम सॉलिड ही उसको कुछ दे रहे हैं, मतलब एकदम ही नहीं ले रही थी। दिन में 2-3 बार भी वो नहीं खा रही थी, इसीलिए हम लोग उसको उतना जोर नहीं देते। जितना वो खाती है, जितना स्पून लेना चाहती है उतना ही देते हैं। और मैं ना उसको, आप देखे ना 3 बॉटल्स वहाँ पे रखा था, मतलब जार, एक रेड एक ग्रीन, तो उसमें उसका सेरेलक रहता है, एक वेट वाला और एक राइस वाला। तो वो सूप दो ज़्यादा नहीं पीती है खाती है बोल के मैं उसको सेरेलक घोल के आधा घंटा बाद खिला दी। तो उसको सेरेलक मैं 2 टाइम देती हूँ, एक वेट वाला और एक राइस वाला। तो उसके बाद उसको शावर करा के मैंने रेडी कर दिया है, और शावर करने के बाद क्योंकि अभी ठंडी है तो उसको मैं भेज देती हूँ छत पे शाकिब के साथ, या तो मैं खुद लेके जाती हूँ, जब शाकिब नहीं रहता तो मैं ही डोर बंद करके थोड़ा सा लेके जाती हूँ। इसी बीच करते करते 1 बज ही जाता है, क्योंकि 12:30 बजे उसको शावर कराते हैं, तो 1 बज जाता है सब कुछ करते करते। उसको छत पर इतना धूप रहती है कि 10 मिनट तक उसको बिठाती हूँ ताकि उसका हेयर थोड़ा सा सूख जाए और बॉडी थोड़ा सा वार्म हो जाए। और वो छत पे बैठ के ना खेलना बहुत पसंद करती है, मतलब उसको बहुत आराम मिलता है। हम लोगों को चिड़चिड़ा वाला फील होता है क्योंकि मैं तो शावर करके नहीं जाती, और उसका अभी बॉडी टेम्परेचर, उसका जो एक्टिव वो तो मैं नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाती। तो 10 मिनट बैठाने के बाद ही मैं नीचे आ जाती हूँ उसको लेके, क्या ही कर सकती हूँ। उसके बाद उसको कॉट में बिठा देती हूँ और मैं करती हूँ अपने लंच का प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। मुझे डर डर के अभी मैं खाना पकाती हूँ कि रायु ना गिर जाए, पर क्या कर सकते हैं। जो सिंगल मतलब मॉम अकेले घर में रहते हैं, जो मदर, उनको ही पता चलता है कि एक बेबी के साथ काम करना कितना ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं ना सोची थी, देखो 1:30 बज गया ऑलमोस्ट, तो आज मैं सोची थी कि अंडा और आलू की कड़ी, मतलब सब्जी नहीं बोलते शायद, अंडा के साथ मतलब तरकारी बनाऊंगी। क्योंकि देखो मैं अभी एक ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, बहुत दिन हो गया घर में बिरयानी, फ्राइड राइस, चिली चिकन ये सब हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर रायु को कोई पकड़ेगा तभी मैं बना पाऊँगी। और अकेले रायु को देख के शाकिब निकल जाता है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। पर मैं बाहर का खाना नहीं खाती दोपहर के टाइम में, मैं चाहती हूँ कि हम लोग घर का ही खाना खाएं। बाहर का खाना एकदम ही ठीक नहीं है, तो अभी हम लोग बाहर का लंच में तो कभी नहीं खाते हैं, घर में ही बना के खाते हैं और रात में भी, पर बाहर जब घूमने जाते हैं उसका बात अलग है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर दिन ही मेरा खाना पकाते पकाते और शावर करके रेडी होते होते 3 बज ही जाती है, क्योंकि आप लोग सोचो 1:30 बजे मैं खाने के चीज़ें काटती हूँ, उसके बाद खाना चढ़ाती हूँ, उसके बीच राइस बनाती हूँ, तो रायु को भी बीच बीच में देखना पड़ता है। वो अभी सो रही थी, मतलब बीच में मैं गैस बंद करके जाके उसको सुला के भी आई थी क्योंकि उसको नींद लग गई थी शावर करने के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना वाना पकाने के बाद शावर करने के लिए, मतलब रोज़ शावर। अभी इस ठंडी में 2:30 बजे शावर करना कितना ठंड की बात है, आप समझ रहे हो, पर क्या ही कर सकते हैं, ऐसा ही रूटीन चलता है हमारा। उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद मैं शाकिब का तो राइस निकाल दी, पर मैं एक रोटी खाती हूँ तो फटाफट एक रोटी मैं गर्मा गर्म ही तल लेती हूँ, नहीं तो रोटी ना मैं उतना अच्छा नहीं बनाती कि एकदम सॉफ्ट रहे, मेरा रोटी थोड़ा सा करक वाला हो जाता है, मतलब क्या बोलते हो, कुरमुरे वाला हो जाता है थोड़ा ज़्यादा रखने के बाद, इसलिए मैं तुरंत करती हूँ, तुरंत ही खाती हूँ। और हम लोग जब खाते हैं रायु को स्ट्रोलर में बिठा देते हैं, या तो मैं गोदी में लेके खाती हूँ, गोदी में बिठा के, क्योंकि वो स्ट्रोलर में बिल्कुल नहीं बैठना मांगती, बहुत ही मतलब उतरने की कोशिश करती है। तो वो अभी सोई हुई थी इसीलिए मैं और शाकिब बैठ के खा रहे थे, 3:15 बज गया खाते खाते। और उसी बीच मैं एडिट भी करती हूँ, क्योंकि आप लोग शायद नोटिस किए होंगे अभी शाम के टाइम में मैं शॉर्ट्स पोस्ट करती हूँ और रात के 9 बजे व्लॉग पोस्ट करती हूँ। तो शॉर्ट्स जो पोस्ट करती हूँ वो ये दोपहर को ही मैं एडिट करती हूँ। और महारानी यहाँ पे उठ गई है, तो शाम के टाइम में मैं उसको, अभी तो बहुत जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाती है 5 बजे के अंदर, तो मैं 4:15 तक या 4:30 बजे उसको थोड़ा सा बाहर लेके जाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उसका भी मन जो है अच्छा लगे। दिन भर वो भी घर में बैठी रहती है और हम दोनों के साथ ही रहती है, तो अलग से उसको कोई खेलने
खेलने लायक मिलता ही नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सा बाहर लेके जाती हूँ। शाकिब रहता है तो शाकिब और मैं जाती हूँ, माँ अगर आती है मैं माँ के साथ लेके जाती हूँ, तो थोड़ा सा उसको घुमा देती हूँ तो उसको अच्छा लगता है और वो मतलब बहुत पसंद करती है ऐसे घूमना। देखो सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको सब कुछ टाइम बाई टाइम करूँ। अगर शूट रहता है तो शाम के टाइम में मैं शूट भी कर लेती हूँ, पर आज शूट नहीं था, आज रायु का ही कुछ फोटोशूट किया था शाम के टाइम में, तो ऐसा ही सुबह से इवनिंग तक कटता है। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, अगर इवनिंग रूटीन देखना है उसके लिए भी कमेंट में बताना। बाय।